आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने दिल्ली में भी जल्द एक विधायक एक पेंशन लागू करने की बात कही है। सोनीपत के गांव भटगांव में पहुंचे सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब में एक विधायक एक पेंशन लागू कर आम आदमी पार्टी अपनी मंशा स्पष्ट कर रही है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में उन्हें ऐसा कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की भी परमिशन लेनी पड़ती है और वो प्रक्रिया भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का लीडर एक पेंशन लेगा, एक से ज़्यादा पेंशन नहीं लेगा। दिल्ली के ऊपर कानून बनाने में हमें केंद्र सरकार की सहमति भी लेनी पड़ती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति लेनी पड़ती है, वो प्रोसेस चल रहा है, वी विल डू इट। पंजाब में बंपर जीत के बाद हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी को मजबूती दिला रहे सुशील गुप्ता ने इस मौके पर SYL के पानी को लेकर हरियाणा की जनता को बड़ी गारंटी भी दी। उन्होंने कहा कि ये सरकारें SYL का मुद्दा सुलझाने से पीछे हट रही हैं। इसलिए आने वाले समय में जब हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो पंजाब और हरियाणा की सरकार बैठकर इस मामले का हल निकालेगी और 2025 में हरियाणा को SYL का पानी मिल जाएगा। देशों में कोई विवाद नहीं है, लीडरों में विवाद है। खट्टर साहब को चाहिए कि 20,000 करोड़ रुपए अपनी राजधानी बनाने के लिए मांगे और चंडीगढ़ पे अपना आधा हक मांगे। ये जो निंदा प्रस्ताव पारित करने से हरियाणा के लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। हरियाणा के लोगों का हक हरियाणा के लिए मांगे, तब चीजें आगे बढ़े। SYL के पानी को लेकर क्या आम आदमी पार्टी कोई 75 साल पहले देश आजाद हुआ था, 50 साल पहले हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे। SYL के मुद्दे को आज तक उन्होंने उलझा के रखा है। तीनों जगह केंद्र में, हरियाणा में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रह चुकी, तीनों जगह BJP की सरकार रह चुकी। इनको मुद्दा हल नहीं करना। 2024 में हमारी सरकार आ रही है, 2025 में दोनों सरकारें बैठेंगी, पंजाब की और हरियाणा की, और हरियाणा के हर खेत के डोले पर पानी भिजवाएंगे। ये हमारा वायदा नहीं, गारंटी है। बता दें कि पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सत्ता के सपने संजोने लगी है। आए दिन बड़े बड़े नेता आप में शामिल हो रहे हैं और साथ ही आप नेता लगातार गांव के भी दौरे पर हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी चुनौती बनेगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।